नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाले हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स का नाम है बनाना, तो बनाना फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। उसके क्या बात करेंगे, उसके हम बात करेंगे केले के लाभदायक गुण मानव स्वास्थ्य के लिए, और इसको इंग्लिश में क्या है, बेनिफिट्स ऑफ द बनाना फ्रूट्स इन ह्यूमन हेल्थ। तो इसी रिगार्डिंग तो बात करेंगे। तो इसमें क्या है, हम बात करेंगे हिंदी में बात करेंगे बिल्कुल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसको वन बाई वन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इससे बनाना से जो बनाना केला के द्वारा हम कौन कौन सी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्योर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, मीन्स हमका पाचन तंत्र विकार अगर हमारे हैं तो पाचन तंत्र विकार में केला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, आपको पता ही होगा। और अधिकतर लोग उसको एडवाइस देते हैं, डॉक्टर्स उसको एडवाइस देते हैं, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र खराब है, तो आप अपनी डेली रूटीन में जो बनाना फ्रूट्स आपको ऐड करिए, तो उसको आप क्या करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल है, जो डाइजेस्टिव विकार है, वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होती है, जो हमारी आंत होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें क्या हो जाती है, एक जो निचली लेयर होती है उसको म्यूकोसा कहते हैं, तो उसमें क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं उसमें। तो घाव जब हो जाते हैं तो हमारी क्या होती है, इसी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी जो हमारा स्टूल होता है उसमें क्या है, ब्लड के स्टेन वगैरह देखने को मिलते हैं, तो इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। और इसके यही अधिकतर इसमें यही होता है, खाना खाने के बाद तुरंत बाद हमको क्या है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, और हमारे पेट में हल्के हल्के दर्द इसमें क्या होता है, बना रहता है। तो इसमें होगा क्या, जब आप क्या है अपनी डेली रूटीन में केला को ऐड करेंगे, तो इसमें जो है जो इंटेस्टिनल एसिड है, मीन्स जो हमारी आहार नाल में जो होता क्या है, क्योंकि एसिड की जो हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब एसिड बहुत ज़्यादा हमारी क्वांटिटी में बढ़ जाता है, एसिड हमारा रिलीज होता है, स्टमक से एसिड रिलीज होता है और नीचे आहार नाल में पहुँचने स्टार्ट हो जाता है, तो जब ये एसिड जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो हमारी अल्सर होंगे, घाव कॉज करने लगेगा। तो इसको रोकने के लिए आप केला को अपने डेली रूटीन में आप ऐड करिए। जब फ्रूट अगर केला को आप डेली रूटीन में आप ऐड कर दोगे तो इसमें न्यूट्रलाइज कर देगा, इसमें एसिड के अगेंस्ट मींस केला का जो होगा ऐसे इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये उसको जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज होने के साथ साथ उसको एंटीसेप्टिक भी होता है, और एंटीसेप्टिक होते उसमें बूंद जो बूंद होते हैं हीलिंग उनकी प्रोसेस होती है, हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और इसकी वजह से जो आपका क्या हो जो आंत के घाव होते हैं बिल्कुल भरने में सहायता। अब इसमें क्या है, पर डे आपको 5 से 6 केले आपको पर डे आपको लेने हैं पके हुए केले, तो पके हुए केले 5 से 6 केले आप पर डे लो, तो जो आपकी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी के बारे में जो दूसरी बात कर रहे हैं, हम ट्रीट करेंगे इससे केले से और कौन सी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो ट्रीट हमारे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का मेन इसका लक्षण क्या है, तो ये दोनों हमारे बड़ी आंत से रिलेटेड दोनों डिजीज़ है। बड़ी आंत जो लास्ट में बिल्कुल होती है, जिसका मैकेनिज्म ही हमारा होता है क्या होता है, बड़ी आंत में जो होता है जो वाटर ऑब्जर्वेशन होता है, मींस पूरी हमारी जो डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद जो सीधा जो खाना होता है बड़ी आंत में पहुंचता है, तो वहां पे उसका ऑब्जर्वेशन होता है। तो अगर ऑब्जर्वेशन की दर अगर बढ़ जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नहीं सॉरी, अगर ऑब्जर्वेशन की दर जो हो जाए रेट होता है, रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर बढ़ जाएगा तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और ऑब्जर्वेशन का जो रेट कम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा क्या डायरिया हो जाएगा, मीन्स अगर उनके कहने का मतलब ये है, अगर वहाँ पे अगर सारा का जो हमारा स्टूल है नीचे जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा जो, तो वेस्ट जो फूड है, तो अगर उसको उसमें से ऑब्जर्वेशन सारा का सारा अगर पानी अगर ऑब्जर्व इंटेस्टाइन बढ़िया लार्ज इंटेस्टाइन अगर कर लेती है, तो स्टूल हमारा हार्ड फॉर्म में आ जाएगा बहुत ज़्यादा। जब हार्ड फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। स्टूल बहुत ज़्यादा सख्त होना तो इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन की दर बिल्कुल घट गई, मीन्स अगर उसमें पानी ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे तो पानी पूरे इंटेस्टाइन बिल्कुल बाहर निकलेगी, तो हमारा जो मोशन होगा स्टूल होगा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म होगा, इसको क्या है, दस्त कहेंगे इसको, तो डायरिया इसमें हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, बनाना में ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे उसको लेजेक्टिव फ्रूट यूज़ करते हैं, लेजेक्टिव मीन्स होता है ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं, मीन्स स्टूल को पतला रखते हैं, मीन्स बहुत टाइट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन शिकायत है तो अपने डेली रूटीन में आप क्या है बनाना को ऐड करिए, बनाना फ्रूट को ऐड करिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल क्या होगी, राहत मिल जाएगी। और ऐसे बिल्कुल अगर डायरिया मीन्स अगर आपको बहुत ज़्यादा पतले दस्त होने की समस्या है, तो आप अपनी डेली रूटीन करिए, तो जो
जो एलिमेंट्री कैनाल की मैकेनिज्म है उसको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट ठीक करती है। अगर आपकी जो मैकेनिज्म बहुत तेज हो रही है तो स्लो कर देगी, बहुत स्लो है तो नॉर्मल रेंज पे आ जाएगी। तो मिस जो एलिमेंट्री कैनाल की जो प्रोसेस है, जो कार्य प्रणाली है, उसको क्या होगी, नॉर्मल या फिर सामान्य दर कर देती है, जिसकी वजह से डायरिया और आपका जो कॉन्स्टिपेशन दोनों ट्रीट हो जाते हैं। तो इसमें भी 6 से 7 केले पर डे अपनी डेली रूटीन में ऐड करिए, 4-5 दिन में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो और इसके साथ साथ अगर वो है तो अपने बॉडी में थोड़ी सी पानी की मात्रा अवश्य बढ़ाएं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा जो हम करेंगे इसमें ट्रीट इंडे हम डिसेंट्री। तो डिसेंट्री जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर छोटे बच्चों में इसको कहते हैं पेचिस, एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या है, बार बार मोशन की समस्या होती है, लेकिन मोशन नहीं आने के बाद म्यूकस सिक्रेशन होता है। मीन्स हमको थोड़ा सा तरल पदार्थ जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से ज़्यादा हुआ सिक्रेशन होने लगता है, और इसके साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है, पेट में ऐठन होती है, और इसके वजह से इसको पेचिस कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या है आपको करना क्या है, एक्चुअली छोटे बच्चों में होगा तो जो आपका केला होगा उसको क्या करेंगे, मैश्ड कर लेंगे। मैश्ड मीन्स उसको क्रस्ट कर लेंगे, मीन्स क्रस्ट का मतलब है उसको क्या है, लुगदी बना लेंगे। तो लुगदी से जो केला, जैसे मान के चलिए उसको केला लिया, केला का छक्कर उतार दिया और उसको मैश्ड कर लिया। तो मैश्ड करने के बाद जो उसमें, और उसके साथ साथ क्या है, उसमें क्या है सेंधा नमक आप उसको ऐड करिए उसमें, और सेंधा नमक ऐड करने के बाद उसको बच्चों की पेचिस में करीब उसको 4 से 5 बार आप दिन में उसको दीजिए, तो जो बच्चों में होने वाली पेचिस से समस्या है वो बिल्कुल क्या है दूर हो जाएगी और क्योर हो जाएगी। तो और इसी क्रम में जो नेक्स्ट जो हमारा जो है आर्थराइटिस, जो केले की द्वारा अर्थाइटिस और गॉट को कैसे ट्रीट किया जाए, तो वो भी उसे बहुत हेल्प मिलती है ट्रीट करने में। अर्थाइटिस और गॉट को जो इससे पहले मैंने बताया एक एप्पल, उसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा, तो अपने डेली रूटीन में एक बार एप्पल वाला वीडियो आप देख लोगे और बनाना वाला, तो दोनों अपनी डेली रूटीन में ऐड करो, तो दोनों ही अर्थाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो फिलहाल आज बात कर रहे हैं बनाना केले के बारे में। तो उसमें क्या काम करें, आपको 8 से 9 केले आपको पर डे डेली रूटीन में आपको उपयोग लाने हैं। आप डेली रूटीन में आप उपयोग लेके आओगे तो जो हमारी अर्थाइटिस हो रही है, अर्थाइटिस में होते क्या है, जो हमारे जो हड्डियों के जुड़ान होते हैं जहाँ पे दोनों हड्डी मिलती हैं, वो जुड़ानों में क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाती है, एंड उनमें सूजन आ जाएगी, दर्द हो जाएगी, और उनमें क्या होगा, हल्की हल्की क्या होगा, उनमें सूजन होगा, तो वैसे ऐसे आपको लगेगा ये हमारे जो उभार हैं हड्डियों के जहाँ दोनों मिलती हैं उनमें क्या हो जाएगी, वहाँ पे जैसे सिस्ट टाइप से, या फिर उनको कह सकते हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, वहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन, तो उनकी सूजन वैसे, तो हड्डी जो वहाँ पे जुड़ान होते हैं दोनों क्या हो जाते हैं एकदम स्वेल्ड, यानी बहुत ज़्यादा सूजे हुए हमको प्रतीत होंगे, और अलग से उनमें दर्द बहुत ज़्यादा, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसको आर्थराइटिस और गॉटिस को कहते हैं। तो ये अगर आप डेली रूटीन में 8 से 9 अगर आप केले उसको पर डे ऐड कर लोगे तो बिल्कुल आपको ये समस्या है इसको बहुत ज़्यादा हेल्प क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और कुछ जो हमारे मिनरल्स वगैरह उसकी वजह से जो उसमें कार्टिलेज होती है वो डिकेज हो जाती है, डिकेज होने की वजह से इसमें क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस को कहते हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को इम्यून सिस्टम की वजह से डिसऑर्डर होते हैं। तो दोनों ही इसमें बहुत ज़्यादा क्योर, केले में दोनों में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, दोनों क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद में हम क्योर करेंगे क्योर एनीमिया। तो क्योर एनीमिया, क्योंकि इसमें क्या है, जो केला होता है इसमें क्या आयरन रिच क्वांटिटी में अच्छा मिल जाता है, अच्छा खासा होता है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें आपको डेली रूटीन में आपको केला ऐड करना है, और केल एक्चुअली होता क्या है, जो उसको एनीमिया होता है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य मात्रा से कम हो जाती है, इसको रक्त अल्पता कहते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी कहते हैं, या फिर रक्त की कमी कहते हैं। तो इसमें आप डेली रूटीन में आप केला अपने ऐड करिए तो आपको 1 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट हीमोग्लोबिन आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ने की इसको जो प्रोसेस होती है सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसको हील करता है, उसको प्रमोट करता है, और उसकी वजह से जो क्या हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया में थोड़ी सी दर बढ़ जाती है, केले में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसी क्रम में जो नेक्स्ट जो करेंगे हम बात करेंगे जो है कुछ, अगर आपको किडनी डिसऑर्डर है, किडनी डिसऑर्डर का मतलब है आपके गुर्दे में कुछ परेशानी है, आपके गुर्दे से रिलेटेड कोई परेशानी है बहुत ज़्यादा, मीन्स क्योंकि जो केला है तो उसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, लेकिन इसमें होता क्या है उसमें, और इसमें लो प्रोटीन्स है, हाई कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, इसमें बनाना केले में पाया जाता है। तो प्रोटीन्स अगर आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा फिट हो रही हैं, तो फिल्टर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स कर रहा है, तो इसकी वजह से और भी सारे डिस्यूरिया हो रहा है, तो किडनी से रिलेटेड बहुत सारे जो डिसऑर्डर फंक्शन हैं, तो यूरिया है, क्रिएटिनिन है, बड़ा हुआ चल रहा है, और तो ये सब
आपको एक बार डेली रूटीन में आप केला आपने ऐड कर लीजिए तो किडनी से जो रिलेटेड है और स्टोन फॉर्मेशन वगैरह है तो ये भी बहुत ज़्यादा क्योर हो जाती है इससे, तो ये भी आप डेली रूटीन में इसको ऐड करिए तो बिल्कुल ही इससे आपको जो हेल्पफुल मिल जाएगी हेल्प डेली उसको, जो किडनी से रिलेटेड आपके डिसऑर्डर हैं, जो किडनी बेकार हैं, गुर्दे से रिलेटेड जो बीमारियाँ उसमें काफ़ी ज़्यादा क्योर आपको हो जाएंगी। और इसी क्रम में जो है नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट जो ट्रीट करेंगे केले के द्वारा बीमारी का है उसको, वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर माताओं बहनों में अगर किसी में अगर जो मासिक धर्म की अनियमितता है तो आप डेली रूटीन में आपको क्या है केला आपने ऐड कर लीजिए। आप एक महीने अप्रॉक्सीमेट एक से डेढ़ महीने आप डेली रूटीन में 4 से 5 6 केले पर डे आप उसको ऐड कर लें तो जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की मींस इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पूरा हार्मोनल बेस होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एक हार्मोन उसको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ केले में ऐसी पाई जाती है जिसकी वजह से जो आपके हार्मोनल बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अनियमितताएँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे एलर्जी के लिए बहुत हेल्पफुल है। एलर्जीज अगर मान के चलिए फूड एलर्जी हमको, ठीक है, या फिर किसी से अस्थमा हमको हो रहा है या फिर स्किन रैशेस हमको बॉडी में पड़ रहा है या फिर डाइजेस्टिव एलर्जी हो रही है, मीन्स हमने कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ खा ली जिसकी वजह से क्या है तुरंत हमको क्या है पेट में कोई दर्द है दिक्कत है उल्टी जैसे हो जाती है, इसके फूड एलर्जी जिसे कहते हैं, भूख नहीं लगती उसकी वजह से, तो आप डेली रूटीन में आपको ऐसे इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप डेली रूटीन में क्यों एलर्जी प्रिवेंट करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे पाए जाते हैं जो हमारी क्या है एलर्जी को प्रिवेंट करते हैं और प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हेल्पफुल करते हैं। तो और तो मैंने आज जो कोशिश की थी आपको हमने बस आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा इसके बारे में, मैंने आज प्रयास किया था उसको बनाना या फिर जो केले के जो फल है उसके द्वारा कौन कौन सी बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि जो हमने ऐसे फ्रूट्स हमने लिया है तो उन्हीं के द्वारा एज ए मेडिसिन ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। तो आप डेली रूटीन में अगर आप मेडिसिन अगर खा रहे हो बहुत सारी समस्याएं हैं तो एलोपैथी में आपको पता ही सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन आप फ्रूट अगर आप मैं फ्रूट है डाइट चार्ट अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपकी जो समस्या मैंने बताई बिल्कुल क्योर हो जाएंगी क्योंकि इसमें समय लगता है लेकिन एक बार सही हो गए तो दोबारा से जल्दी ईजिली अडॉप्ट नहीं होंगे। और लेकिन एलोपैथिक दवाई जब खाते रहो जिस दिन छोड़ दोगे तो कुछ दिन बाद समस्या फिर वैसी की वैसी गंभीर हो जाएगी और फिर एक समय ऐसा भी आता है बॉडी रेजिस्टेंस कर जाती है फिर उनके साइड इफेक्ट होने की वजह से और नई बीमारी हमको क्या है बन जाती है। तो अपनी डेली रूटीन में फ्रूट्स अपने ऐड करिए और जो जो मैंने बताया है बिल्कुल आप उसको इस तरीके से फॉलो करिए और जो मैंने बताया बिल्कुल बीमारी बिल्कुल आपके हल्के हल्के क्योर हो जाएगी, बैलेंस आपकी बॉडी में जो जो बैलेंस चल रहा है इम्बैलेंस हो रहे हैं हार्मोनल के और एसिड है बेस है वो सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है विटामिन्स की कमी है क्योंकि वो सब ठीक हो जाएगी और आपकी जो दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में मैंने बताया, सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है आपको नोटिफिकेशन जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो हमारा आप देख पाएंगे बिल्कुल, और हो सकता है आपके लिए लाइफ के लिए थोड़ा यूजफुल हो जाए क्योंकि आपके आपके परिवार में कोई ना कोई मैं कामना ही करता हूँ सब स्वस्थ होंगे लेकिन किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप उसको एक बार व्यू कर लें उसको देख लें और अपनी डेली रूटीन में जो मैंने बताया उसको फॉलो करें तो जो आपकी समस्याएँ बिल्कुल क्योर हो जाएंगी। और बाकी ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।